एक बार एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक मंदिर में एक पुजारी हुआ करते थे, बड़ी अच्छी भक्ति थी उनकी, भगवान में बड़ी भक्ति रहती थी उनकी और हमेशा सुबह शाम आरती पूजन करते थे। लोग बहुत श्रद्धा से उनको उनको प्रणाम करते थे, चरण स्पर्श करते थे, बहुत सम्मान था उनका। वहीं पे गांव के अंतिम छोर पे जो मंदिर के पीछे के तरफ में झोपड़ी बनाकर एक वेश्या वहां पे रहती थी। बेचारी वेश्यावृत्ति करती थी क्योंकि घर में कोई नहीं था, संसाधन कुछ भी नहीं थे, मजबूरन उसको उस तरह के गलत कार्य करने पड़े। लेकिन वो बार बार सोचती थी कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूं, वो बार बार सोचती थी कि मैं बहुत बड़ा पाप कर रही हूं, हे भगवान मुझे मेरे पाप से क्षमा करना, मैं कब इस पाप से बाहर निकलूंगी, इसके लिए मुझे रास्ता बताना। तो वो बैठती थी, मंदिर को देखती थी, दर्शन करती थी। जब आरती होती थी सुबह और शाम की, तो अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर चली आती थी, क्योंकि गांव के सभी लोग उसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे, सभी लोग उसको घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसको भी पता था कि मैं पापी हूं, मैं पाप करती हूं, इसलिए वो कभी गांव के मंदिर में जाती नहीं थी। लेकिन बड़ी अंदर से इच्छा थी उसकी कि मैं गांव के मंदिर में जाऊं, कभी दर्शन भी करूं। लेकिन उसको मालूम है कि मैं पाप कर रही हूं, इसलिए कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि मंदिर के अंदर प्रवेश करे। लेकिन आरती के वक्त में हमेशा वो अपने झोपड़ी से बाहर निकलती थी और उसी झोपड़ी के बाहर दरवाजे पे बैठकर हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान मेरे इस पाप से मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मेरे प्राण ले लो, मैं नहीं जीना चाहती, लेकिन मेरे पाप से मुक्त करो, मेरी गलतियों को क्षमा करना प्रभु। और बहुत मन से, बहुत तल्लीनता से, बहुत अंदर के हृदय के करुणा से, भाव से वो भगवान को वहीं से प्रणाम करती थी, रोने लगती थी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते थे। वहीं पे मंदिर में जब भक्तजन आरती करते थे, घंटियां बजती थी, घड़ियाल बजते थे, भजन कीर्तन होता था, लोग ताली बजाते थे, तो खुश हो जाती थी, लेकिन अफसोस करती थी, अपनी किस्मत पे रोती थी कि मैं कैसी हूं, मैं कितनी गंदी हूं, मैं कितना अशुद्ध कार्य करती हूं, जिसके कारण से आज मैं मंदिर में जा नहीं सकती। जब सारे भक्त मंदिर से चले जाते थे आरती पूजन करने के बाद, तो मंदिर के पुजारी जब मंदिर के बाहर के प्रांगण में आते थे, तो दूर बैठकर ही मंदिर के पुजारी को अपने हृदय से प्रणाम करती थी, हाथ जोड़कर प्रणाम करती थी कि भगवान के दूत हैं ये, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की इनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि भगवान ने अपने मंदिर में इनको रखा हुआ है और इनके कारण से इतने लोगों की जिंदगी सुधर रही है। तो वो जो महिला है, वो अपने आप को जो पापनी महिला समझती है, पाप करने वाली महिला समझती है, वो दूर से प्रणाम करती है, मन से ही वो चरण स्पर्श कर लेती है, जा तो नहीं पाती है, वो सोचती है कि मैं तो काश कभी ऐसा समय आता कि मैं खुद से जाकर चरण स्पर्श एक बार कर लेती उस भगवान के बच्चे की, लेकिन वो कभी कर नहीं पाती है, लेकिन रोज दूर से प्रणाम करती है पुजारी को। और जब पुजारी की दृष्टि पड़ती है उस महिला पे, तो पुजारी यही सोचते हैं इसका मुंह देख लिया ना, अब पूरा दिन खराब रहेगा, ये पाप करने वाली महिला है, ये यहीं पे बैठे रहती है, जब आरती होती है तो यहीं बैठ जाती है अपनी झोपड़ी के बाहर, मेरी दृष्टि जाती है और मेरी दृष्टि दूषित हो जाती है, इसके कारण से लगता है कि मेरी जिंदगी भी, मेरी भी सारी पूजा बर्बाद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो दूर से प्रणाम कर रही है पुजारी को और पुजारी कह रहा है कि ये तो पापनी महिला है और इसको देखकर मेरा दिन खराब हो गया। दिन धीरे धीरे गुजरते चले गए, धीरे धीरे वक्त गुजरते चला गया। एक बार गांव में बहुत तेज बाढ़ आई, इतनी तेज बाढ़ आई रात के आधी रात के वक्त में कि अचानक से बाढ़ में पूरा का पूरा गांव बह गया, झोपड़ी भी बह गई और उस झोपड़ी में रहने वाली वो महिला, वो वैश्या भी बाढ़ के पानी में बह गई और रात्रि में पुजारी भी बह गए उसी पानी में, मृत्यु हो गई दोनों की, दोनों मर गए। और दोनों जब मरे तो जाकर भगवान के दरबार में, यमराज के दरबार में जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां पे जब दोनों की आत्माएं जाकर खड़ी हो गई, तो पुजारी बगल में खड़े हैं और वैश्या भी बगल में खड़ी है, तो वैश्या की आत्मा को देखकर पुजारी कहते हैं, ये धरती पे तो मेरे पीछे थी ही, हमेशा इसको देखकर मेरा दिन खराब हो जाता था और आज फिर से आकर यहीं पे खड़ी है। वो जितने भी यमराज के दूत थे उनको पुजारी कहते हैं, अरे तुम लोग मुझे इसके साथ क्यों खड़े किए हो, मुझे इसके साथ क्यों खड़ा कर रखा है, मुझे तो स्वर्ग लोग भेजो, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं, ये तो पापनी महिला है, इसके साथ क्यों खड़ा कर रखा है।
देवदूत कहते हैं ठहरो, अभी हिसाब होता है, दोनों के बही खाते देखे जाएंगे और बही खातों में तुम्हारे पुण्य और तुम्हारे शुभ कर्मों के आधार पे स्वर्ग या नर्क मिलेगा। पहले ठहर जाओ, पहले देखो, यहाँ पे इंतजार करो। वो कहता है देखना क्या है, पुजारी कहता है मुझे क्या देखने की जरूरत है, जीवन भर तो भगवान की भक्ति की है, जीवन भर भगवान की पूजा की है, मुझे कुछ देखने की क्या जरूरत है, मुझे तो सीधा स्वर्ग भेज दो, और ये तो जीवन भर पाप का काम ही इसने किया है, इसको तो सीधा नर्क भेज दो क्योंकि पापिनी है, ये पाप की है, कितने लोगों का जीवन बर्बाद किया है और इसने गलत और पाप की कमाई खाई है, इसको तो नर्क ही भेज दो, इसको नर्क जाने की जरूरत है। देवदूत कहता है ठहरो, नाराज मत हो, ठहरो, अभी बही खाता खोल कर देखते हैं। यमराज आते हैं, दरबार लगती है, और दरबार में जब यमराज ने बही खाता को देखा था, बही खाता को देखकर उस महिला के और पुजारी के बही खाता को देखा, और फिर कहते हैं अपने फैसले को सुनाते हैं, पुजारी को नर्क भेज दो, पुजारी को नर्क भेज दो, और ये जो महिला आई है इसको स्वर्ग भेज दो। पुजारी कहते हैं अरे ये कैसा अत्याचार कर रहे हो, आपने लगता है किसी और का बही खाता देख लिया क्या, किसी और का बही खाता देख लिया, ये गलत काम कैसे कर रहे हो, जिसको स्वर्ग जाना चाहिए उसको नर्क भेज रहे हो और जिसको नर्क जाना चाहिए उसको स्वर्ग भेज रहे हो, इसने जीवन भर गलत काम किया और उसको आप स्वर्ग भेज रहे हो, और मैं जीवन भर मैंने भगवान की भक्ति की है और आप उसको नर्क भेजने की बात कर रहे हो। यमराज कहते नाराज मत हो, बही खाता के अनुसार से मैंने देखा है, बही खाता रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी हरकतें करते थे वो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, लेकिन याद रखना शरीर तो छूट गया धरती पे ही, शरीर से तुम नहीं आए हो, इसलिए फैसला आप शरीर से नहीं होंगे, तुम्हारा मन आया है, तुम्हारी आत्मा आई है, तुम्हारी भावनाएं आई हैं, अब भाव के ही फैसले होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे शरीर का फैसला नहीं होता, शरीर को तो दफनाया गया, जलाया गया, शरीर तो वहीं रह गया है। रही बात जहां तक इस महिला की, इस महिला ने जो पाप किया है अपने शरीर से किया था, शरीर का कष्ट मिला, शरीर भस्म हो गया, शरीर अग्नि को समर्पित कर दी गई है, ये शरीर इसका जल चुका है, ये तो अपनी भावना से यहाँ आई है, तुम भी, तुम्हारा भी पवित्र शरीर नष्ट हो चुका है, खत्म हो चुका है, तुम भी, तुम्हारी आत्मा और आत्मा की भावनाएं यहाँ पे आई है, इसलिए अब भावनाओं का ही फैसला होता है। यहाँ पे हम कभी भी किसी के शरीर के अनुसार से फैसला नहीं करते हैं कि शरीर से इंसान कैसा काम कर रहा है, वो फैसला धरती पे होता है। शरीर से पाप किया, पाप की सजा इसको मिली है, शरीर से तुमने पुण्य किया, पुण्य का पुरस्कार तुमको मिला क्योंकि तुम्हें सम्मान मिला, तुम्हें इज्जत मिली, तुम्हें सबने प्रतिष्ठा दिया, वो तुम्हें धरती लोक पे मिल चुका है, इसको इसकी सजा धरती लोक पे मिल गई है। अब तो भाव के फैसले यहाँ पे होते हैं कि तेरे अंदर भावनाएं क्या है, इसके अंदर भावनाएं क्या है। वो पुजारी कहता है कि बताओ जरा मेरे भावनाएं कहां से गलत हैं और इसके भाव कैसे पवित्र हैं। यमराज कहते हैं भूल गए तुम, जब मंदिर से बाहर निकलते थे तो तुमने इसको देखा था कभी, तो हां मैं देखता था, किस दिशा में बैठे रहती थी, कहां देखते रहती थी, क्या करती थी उस समय, मैं देखता था, हमेशा घूरते रहती थी मंदिर के तरफ में ये, और क्या करती थी, हाथ जोड़कर बैठे रहती थी। भूल गए तुम, भगवान की पूजा तो कर रहे हो लेकिन उस समय तुमने देखा नहीं इसके मन में क्या चल रहा था, वो दूर से तुम्हें चरण स्पर्श कर रही थी, दूर से तुम्हारी पूजा कर रही थी कि तुम भगवान के बच्चे हो, तुम्हें कितना सौभाग्य मिला है कि भगवान ने अपने दरबार में रखा है, तुम्हारे चरण स्पर्श करने के लिए जीवन भर ललायित रही कि भगवान के बच्चे को चरण स्पर्श एक बार कर ले, लेकिन जब तुम्हारी दृष्टि इसके ऊपर पड़ी थी तो तुमने इसको पापी कहा था, तुमने इसके लिए बुरी बात सोची थी, इसने तुम्हारे लिए पवित्रता के भाव रखे थे, तुमने इसके लिए अपवित्रता के भाव रखे हैं, यानी तुम भगवान की पूजा मंदिर में कर रहे थे लेकिन मंदिर से बाहर जब मेरे बच्चों को तुम देखते थे तो अपवित्र भाव अपने अंदर जमा करने लगते थे, यानी जो पुण्य कमाते थे, दूध रूपी जो पुण्य कमाते थे उसमें बार बार तुम आकर इसको देखकर और दूषित भावनाएं मन में जगा कर अपने दूध में खटाई मिलाते चले जा रहे थे, तुम तो अपने पुण्य को उसी समय खत्म किए चले जा रहे थे, तुम भूल गए थे कि भगवान ने कहा है और तुम भूल गए थे कि सारे बच्चे मेरे ही हैं, उसके सही या गलत का फैसला मैं करूंगा, तुम भूल गए थे और तुमने फैसला करने लगे और तुमने कहा कि भाई ये पापन है, ये पाप कर रही है, इसके मन में तुम्हारे लिए पवित्र भाव थे और तुम्हारे मन में इसके लिए अपवित्र भाव थे, जबकि तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था, तुम्हारा इसने क्या बिगाड़ा था, लेकिन फिर भी ये तुम्हें सम्मान करती थी, तो ये अपवित्र थी शरीर से, तुम पवित्र थे शरीर से मगर मन से अपवित्र थे, ये शरीर से अपवित्र थी मगर मन से पवित्र थी,
क्योंकि बार बार कोसती थी, बार बार समझती थी कि मैं गलत कर रही हूं। शरीर तो इसका चला गया, शरीर तुम्हारा भी, तुम्हारा पवित्र शरीर रह गया धरती पे, इसका अपवित्र शरीर रह गया धरती पे, इसका पवित्र मन चला आया है यहाँ पे और तुम्हारा अपवित्र मन चला आया है। हिसाब तो पवित्र और अपवित्र मन का हो रहा है। तुम्हारे अपवित्र मन के हिसाब से तुम्हें नर्क जाने की जरूरत है, इसके पवित्र मन के हिसाब से इसे स्वर्ग जाने की जरूरत है। फैसले हम सबके भी ऐसे ही होंगे, फैसले हम सब के भी ऐसे ही होंगे। हम क्या करते हैं अपने शरीर से महत्वपूर्ण नहीं है, मन में हमारे क्या चल रहा है ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। रखो नजर हमेशा अपने मन के ऊपर, क्योंकि मन ही हमारा भगवान है। वही आने वाले समय में हमारे भाग्य का विधाता बनेगा, क्योंकि हम मन के अनुसार से जीवन में चलते। मन ही हमें उत्तरायण और दक्षिणायन में लेकर जाता है। अपने ऊपर दृष्टि रखो, हमेशा दृष्टि रखो, कहीं ऐसा ना हो हमसे कोई भूल हो जाए। बोलिए माता शक्ति, माँ भवानी की, माँ जगदम्बा, माँ परम्बा की।